बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। रास्ते के विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने दूसरे की डंडे से पिटाई कर दी, यह घटना भावड़ में हुई। बुजुर्ग की शिकायत पर अडाल पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। तुमसर तहसील के हिंगना निवासी देवदास प्रीतम रहांगडाले के घर के कुएं पर लगा मोटर पंप रात को कोई चुरा ले गया। शिकायत के आधार पर तुमसर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक तेज रफ्तार दोपहिया वाहन ने सड़क पर खड़ी एक स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें दवा कंपनी का कर्मचारी घायल हो गया। पुलिस ने शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया है। शहर के कुड़वा नाका में हुई दुर्घटना में मुंडीपार निवासी सुनीता डोंगरे उम्र 30 वर्ष घायल हो गई। महिला को उपचार के लिए गोंदिया के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। नहाने गया एक युवक नदी में डूब गया। मृतक का नाम खरबी चौक नागपुर निवासी अजय उर्फ घनश्याम गणेशराव आंबटकर उम्र 40 वर्ष है। पवनी पुलिस ने मामला दर्ज किया। आमगांव थाने के तहत सरकार टोला निवासी फिरियादी किशोर भावदास बरई उम्र 55 वर्ष के साथ आरोपी ने मेरे लिए खाना नहीं बनाया इसलिए विवाद किया, वही गाली गलौज कर लाठी से मार कर घायल कर दिया। फिरियादी की शिकायत पर आमगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया। पारखेड़ रोड पाहुर जिला में दोपहिया पर सवार 3 युवकों ने एक व्यक्ति के साथ मामूली बात पर बहस की और उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।